एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जयपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान खेल परिषद में हंगामा देखने को मिला है। कर्मचारियों और पदाधिकारियों के बीच में गतिरोध बरकरार। कर्मचारियों पर पास ब्लैक करने का आरोप लगा है। उपाध्यक्ष सतबीर चौधरी के इस आरोप से कर्मचारी नाराज हो गए। कर्मचारियों ने सतबीर चौधरी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कर्मचारियों ने वीरेंद्र पुनिया का समर्थन किया है, नारे भी लगाए, वीरेंद्र पुनिया संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है के नारे लगे हैं। सतबीर चौधरी से माफी मंगवाने पर कर्मचारी अड़ गए हैं। अब पास नहीं माफी की मांग पर कर्मचारी अड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष के आरोप से कर्मचारी नाराज हो गए, नारेबाजी दिखा रहे एक्सक्लूसिव तस्वीर। कर्मचारी जो है उपाध्यक्ष से माफी मांगने की बात यहां पर कह रहे हैं। राजस्थान खेल परिषद में हंगामा देखने को मिला। कर्मचारियों और पदाधिकारियों का गतिरोध वो बढ़ चुका है। नारेबाजी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपाध्यक्ष के आरोप से कर्मचारी बहुत ज्यादा नाराज हैं। उपाध्यक्ष ने ब्लैक करने का आरोप लगा दिया। वैसे में कर्मचारी उपाध्यक्ष सतबीर की माफी पर ही सभी अड़ गए हैं। गतिरोध बरकरार है। राजस्थान खेल परिषद में हंगामे की एक्सक्लूसिव तस्वीर। जब आप खुद ही कर्मचारियों को कह रहे हो कि कर्मचारी पास ब्लैक कर रहे हैं, कर्मचारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो पास ब्लैक कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों के पास तो पासेज आ ही नहीं रहे, तो ब्लैक की स्थिति तो कहाँ से, जबकि वो हम ही काउंसिल कर्मचारियों पे झूठे आरोप लगा रहे हैं कि कर्मचारी पास ब्लैक कर रहे हैं। माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं उन कर्मचारियों की हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिनके हिस्से के जो पासेज हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं। देखिए, हमारे खुद जो स्टाफ के लोग हैं यहाँ के, जो चाहे अलग अलग उस पे हैं, कुछ पार्ट टाइम स्टाफ है, कुछ परमानेंट स्टाफ है, तो ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है कि लगभग 30-40-50% लोग हैं जिनको पासेज नहीं मिले हैं मैचेज के। और ये जो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं वो सामने आ जाएगा। विवाद पास का ही विवाद है, वो ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ब्लैक कर रहे हैं? हाँ। पास मिल ही नहीं रहे तो ब्लैक कैसे करेंगे? उनको माफी मांगनी चाहिए। उपाध्यक्ष के आरोपों से कर्मचारी नाराज हो गए और हंगामा होने लगा। दरअसल उपाध्यक्ष ने ब्लैक करने के टिकट आरोप लगा दिया। वैसे में जो कर्मचारी हैं उपाध्यक्ष के आरोपों पे बौखला गए, नाराज हो गए और यहाँ पर हंगामा होने लगा। कर्मचारियों पदाधिकारियों में गतिरोध यहाँ पर बढ़ गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते किस तरीके से गर्मा गर्मी वहाँ पर देखने को मिली है। बहस की स्थिति वहाँ पर देखने को मिली, नारेबाजी हुई, प्रदर्शन, माफी मांगने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि कर्मचारी पदाधिकारियों के बीच में जब गतिरोध बढ़ा तो हंगामा होता चला गया। उपाध्यक्ष का आरोप से कर्मचारी बहुत ज़्यादा नाराज यहां पर देखने को मिले। अब ऐसे में उपाध्यक्ष ने जब ब्लैक करने का आरोप लगाया तब ये पूरा मामला सामने खड़ा हुआ। अब ऐसे में सतबीर की माफ़ी पर अड़े हैं जो कर्मचारी हैं वो। उपाध्यक्ष सतबीर और आरोप जब लगे तो उसके बाद में ये सभी यहाँ पर नाराज़ हो गए। कर्मचारी नाराज़ तो होने लगा हंगामा, प्रदर्शन, टिकट ब्लैक करने का आरोप लगे। ऐसे में कर्मचारी उपाध्यक्ष सतबीर की माफ़ी पर अड़ गए, हालांकि वो माफ़ी से इनकार कर रहे हैं, माफ़ी का सवाल ही नहीं वो कह रहे। और स्थिति देख लीजिए क्या उत्पन्न हुई वहां पर। दो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उपाध्यक्ष के आरोप से कर्मचारी नाराज हो गए हैं। दो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राजस्थान खेल परिषद में हंगामा। आशुतोष हमारे सहयोगी इस पर ज़्यादा अपडेट देंगे। आशुतोष, इस हंगामे की मौजूदा स्थिति क्या है वो बताएं और कैसे ये हंगामा शुरू हुआ? देखिए, मौजूदा स्थिति तो आप देखें कि आईपीएल का इतना बड़ा आयोजन और इसको एक बड़ा मौका बताया जाता है राजस्थान सरकार से लेके आरसीए की बात करें, क्योंकि बड़े स्तर पर टूरिज्म होता है। लेकिन उसी स्टेडियम के परिसर के अंदर इस समय नारेबाजी की आवाजें मेरे पीछे आप सुन सकते हैं,
और आईपीएल के मैच के जो पासेज है उनको कर्मचारियों की तरफ से जलाया गया है। दरअसल ये पूरे इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मुख्य जो वजह है वो ये कि स्टाफ के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि खेल परिषद के जो कर्मचारी हैं वो आईपीएल के टिकट ब्लैक कर रहे हैं। इस संबंध में खेल परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं वो शिकायत देना चाहते थे खेल परिषद के सचिव जीएल शर्मा को। जैसे ही ये जानकारी स्टाफ के पास पहुंची है जमकर हंगामा हुआ है। हंगामा इतना जबरदस्त हुआ है कि तमाम जो कर्मचारी हैं कोर्ट के बाद में खेल सचिव के दफ्तर में घुस गए, जहां पे पहले से खेल परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं सतवीर चौधरी वो बैठे हुए थे और तनातनी जैसी स्थिति हो गई। एक सूची थी मैच के पासिस को लेकर, वो सूची तक फाड़ दी गई और जमकर हॉटस्टॉक हुई है। और अब जैसे जैसे एक सतवीर चौधरी का जो समर्थक था उसने अंदर आने की कोशिश की, हालांकि सतवीर चौधरी उसको स्टाफ बता रहे हैं, टाइपराइटर बता रहे हैं, उसको धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाला। और अब सवाई मानसिंह स्टेडियम खेल परिषद की जो मुख्य बिल्डिंग है उसके बाहर कर्मचारियों ने जो मैच के पासिस हैं उनको जला दिया है। और अब कह रहे हैं कि जब तक कि सतवीर चौधरी जो कि खेल परिषद के उपाध्यक्ष हैं वो माफी नहीं मांगेंगे, ये मामला खत्म नहीं होगा कि आखिर स्टाफ के ऊपर कालाबाजारी का जो टिकट है आईपीएल के उनका आरोप कैसे लगाया गया। आईपीएल जयपुर में आज तीसरा मैच होना है, लेकिन इससे शुरुआती तौर से ही जो देखने में मिला है कि जो विवाद है पहले हर दिन आशुतोष हम देख रहे हैं कि पहले दिन से लेकर टिल डेट तक हमने लगातार आपसे बातचीत की, कभी वहां पर अशोक चांदना साहब पहुंचे वहां पर भी हंगामा हमने देखा, पहले दिन का मामला भी सबके सामने आया और आज भी स्थिति बनी। अब ऐसे में ये जो इनडिसिप्लिन देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति जो पनपी है, तो इतने लंबे अरसे के बाद मैच हो रहा है जयपुर में, वही धन्यवाद मानना चाहिए लोगों के लिए, बहुत बड़ी राहत कि भाई मैच हो रहा है, लोग देखने जाएंगे, एंटरटेन होंगे। लेकिन इस बीच में अगर ऐसी स्थिति पनपेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए मैं आपको इस पूरे आईपीएल मैच की, आज तो तीसरा मैच है, इससे पहले जो दो मैच आयोजन हुए उसकी टाइमलाइन बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे दर्शकों के लिए आईपीएल अव्यवस्थाओं वाला बना, कैसे उनकी जेब काटी गई। ये देखिए शुरुआत हुई, सबसे पहले इसमें विवाद में खेल विवाद का जो खेल मंत्री है वो सामने आए, वहां से विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से निर्माण किया गया, सबसे पहला विवाद वहां से शुरू हुआ था। उसके बाद में एक एक करके विवाद बढ़ते चले गए। यहाँ पे आने वाले जो आम दर्शक हैं उनसे उनकी कार पार्किंग के 200 से 300 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आप समझिए कि एक आम आदमी जैसे तैसे टिकट खरीद के अपने चहेते क्रिकेटर्स को यहाँ देखने के लिए आता है, लेकिन पार्किंग में उससे वसूले जाते हैं 200 से 300 रुपए। उसके बाद में अंदर पानी तक की कालाबाजारी, आप देखिए कि जो 20 रुपए की पानी की बोतल आ जाती है वहाँ एक गिलास पानी का 10-10 रुपए में बेच रहे हैं। बहुत छोटी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। विवादों की बात करें तो लगातार विवाद बढ़े। आरसीए के अंदर पासेस को लेके एक बड़ा जो विवाद देखने को मिला, मैच का पहला दिन हुआ, ये भी सूत्र जानकारी सामने आई कि आरसीए के तमाम जो जिला क्रिकेट से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं और आरसीए के एसोसिएशन के जो आला अधिकारी हैं उनके बीच में जमकर हंगामा हो गया। तो ये हंगामा लगातार चल रहा है। और अब आज की वक्त पे तो आज विवाद खुलकर सामने आ गया, कैसे खेल परिषद के उपाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ स्टाफ जो है कर्मचारी जो है वो खड़े हो गए। आरोप है कि खेल परिषद उपाध्यक्ष की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए स्टाफ के ऊपर कि वो ब्लैक टिकटिंग कर रहे हैं और अभी भी जमकर रोष है। नहीं, तो ये जो आरोप लगे हैं आशुतोष, इन आरोपों का आधार क्या, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है खिलाड़ियों के अलावा और किसी को पास मिलते नहीं है, फिर चाहे आप कितने बड़े नेता हो। अब ऐसे में ये जो आरोप लग रहे हैं कि आईपीएल में कर्मचारी टिकट ब्लैक करें, हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए आमतौर पर होता यह है कि खेल परिषद जो होता है उसके कुछ चुनिंदा पास, आरसीए के कर्मचारियों के कुछ चुनिंदा पास, जो पूर्व रणजी प्लेयर्स हैं उनके पासेस दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी में सामने आया रणजी प्लेयर्स के पासेस तो मिले ही नहीं है। खेल परिषद के जो अभी हंगामा करने वाले कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि हमें अभी तक एक भी मैच के पास मिले नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और उसके बाद भी अगर गंभीर आरोप लगते हैं तो इस तरीके का जो हंगामा है वो अब सामने देखने को मिल रहा है। और अब देखिए कि तमाम राजस्थान रॉयल्स जो कि आयोजन कर रहा है इस मैच का, उनकी जिम्मेदारी है, उनके तमाम कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद में जो दर्शक हैं, क्योंकि जो दूर दराज से दर्शक आते हैं, दूसरे दूर जिलों से दर्शक जो आते हैं, वो उनके आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो जाता है। उनके सामने इतना बड़ा हंगामा, नारेबाजी, ये एक बहुत खराब जो छवि है वो राजस्थान से जाती है कि जब राजस्थान में खेल के आयोजन होते हैं, एक तो राजस्थान को बड़ी मुश्किल से इस तरह के मैसेज मिलते हैं और फिर मिलते भी हैं तो इस तरह की बातें सामने। बड़ा विवाद के फुटबॉल का जो मैदान है, आर्चरी तीरंदाज का जो मैदान है, उसको वीआईपी पार्किंग के लिए निःशुल्क बनाया गया है, जो कि आप समझिए खिलाड़ी लगातार अपना दर्द कह रहे हैं कि हमारे मैदान को पार्किंग ना बनाया जाए। और बाहर की पार्किंग आम लोगों से 300 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, अंदर वीआईपी पार्किंग निःशुल्क है, पूरी तरीके से आप अपनी गाड़ी को अंदर लेते हुए आइए और खिलाड़ियों के मैदान के ऊपर लाके खड़ी कर दीजिए, उनकी सुनने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। नहीं, बड़ी चीज आशुतोष ये है कि अब जब इतना हंगामा हो रहा है, हर दिन बखेड़ा खड़ा हो जाता है,
तो इसमें जवाबदेही किसकी तरह होनी चाहिए? अरे कोई तो होगा जो इसकी जिम्मेदारी लेगा, देखेगा, समझेगा कि जो तीरंदाजी का जो मैदान है वहां पे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, पार्किंग वहां पर बनाया जा रहा है, अपने तरीके से चीजों का निर्माण कर दिया जा रहा है, कोई किसी पर ब्लैक टिकट का आरोप लगा रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। ऐसे में चाहे वो बैबू गहलोत साहब हो, चाहे वो चांदना साहब हो, कौन देखेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इन चीजों की? देखिए अभी तक कोई भी जिम्मेदारी लेता हुआ नजर नहीं आया। खेल परिषद की बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से मौन है इस मुद्दे पे कि खिलाड़ियों के मैदान में पार्किंग क्यों होती है। अब किसका दबाव है ये बात स्पष्ट ये नहीं कही जा सकती है। खिलाड़ी अपना दर्द सामने रखने की कोशिश कर रहा है। हमने पहले ये मुद्दा उठाया था कि जो खेल विभाग है उसने पूरी मजबूती के साथ में जो अवैध अतिक्रमण किया गया राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, उसको अतिक्रमण का नाम दिया और इतना बड़ा माहौल खड़ा किया गया। अब वही खेल विभाग खिलाड़ियों के लिए सामने क्यों नहीं आता है जब खिलाड़ियों के मैदान पर पार्किंग कर दी जाती है, निःशुल्क पार्किंग की जाती है, वीआईपी पार्किंग के नाम पे तीरंदाजी के मैदान को, फुटबॉल के मैदान को इस्तेमाल किया जाता है आईपीएल के मैच वाले दिन पे। तो भले ही उसकी एवज में पैसा दिया जा रहा है, तो क्या पैसे में आपके लिए पैसा महत्वपूर्ण है, खिलाड़ी महत्वपूर्ण है, खिलाड़ियों का मैदान महत्वपूर्ण है, ये तय कौन करेगा? इसकी जवाबदेही अभी तक बहुत स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आती। नहीं आशुतोष, ये जो धन उगाही हो रही है, एज यू सेड अर्लियर कि पानी के बॉटल्स कितनी महंगी बेची जा रही हैं, जो गाड़ी पार्क होती है उसके लिए 200-300 रुपए लिए जा रहे हैं, इन सब का कोई नियम कायदा है कि बस सब कुछ मनमर्जी चल रहा है कि भाई मैच हो गया आओ लूट लो जितना लूट पाओ? देखिए एक तरीके से तो ये आम दर्शकों की अगर दर्द की हम बात करें तो ये अपने आप में लूट की तरह ही इसको देखा जाए, क्योंकि आम दर्शक से आप 150 रुपए ले रहे, 20 रुपए की पानी की बोतल को 150 रुपए तक में बेचा जा रहा है। पानी जैसी चीज जो निशुल्क हमारे देश में परंपरा है कि पानी तो निशुल्क पिलाया जाता है, उसके पुण्य कमाया जाता है, यहाँ पे एक एक गिलास को 10-10 रुपए में बेचा जाता है पार्किंग के नाम पे। आम दर्शकों के लिए मैच होता है और आम दर्शकों को 300 रुपए तक अपनी जेब हल्की करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनको मैच देखने आना है, उनको खिलाड़ियों से लगाव है, वो मैच देखने के लिए आएंगे। और वीआईपी लोगों की जब बात की जाती है तो उनकी गाड़ी सीधे साउथ जो एंड है स्टेडियम का वहां से अंदर एंट्री होती है, निःशुल्क पार्किंग होती है, वो भी खिलाड़ियों के मैदान के ऊपर। ये अपने आप में देखिए आप कितनी बड़ी विडंबना है कि आम दर्शकों की गाड़ी भी बाहर खड़ेगी, पैसा भी उनसे दुगना तिगना लिया जाएगा, वीआईपी होंगे वो अंदर तक आएंगे, खिलाड़ियों के मैदान पर उनकी गाड़ियों की पार्किंग की जाएगी, लेकिन इस मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा। दूसरी बड़ी बात जो अभी इस समय मुद्दा चल रहा है वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि कैसे खेल परिषद के ही कर्मचारी, खेल परिषद के ही स्टाफ अपने ही अधिकारी के विरुद्ध खड़ा हो गया है, खेल उपाध्यक्ष के विरुद्ध खड़े हो जाना, ये अपने आप में ये देखिए कि कैसे स्टाफ अगेंस्ट चला जाता है। और सिर्फ अगेंस्ट चले जाना, सिर्फ नारेबाजी नहीं हुई, ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ी देर में मारपीट ही शुरू हो जाएगी, तनातनी जैसी स्थिति शुरू हो गई। ये अच्छा मैसेज नहीं है राजस्थान से, ये अच्छा मैसेज नहीं है खेल विभाग से, खिलाड़ियों के बीच में गलत मैसेज जाता है, राजस्थान की आम आवाम के बीच में गलत मैसेज जाता है कि आखिर मैच से पहले हो क्या रहा है, कि विवादों वाला आईपीएल मैच होके क्यों रह गया है। तो उपाध्यक्ष से माफी मांगने के जिद पर अड़े हुए हैं, अब उपाध्यक्ष माफी मांगे कि इस पर कार्रवाई करवाएंगे? देखिए अभी तक उपाध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि वो लिखित में जिन दो या तीन व्यक्तियों की शिकायत उनको मिली है ब्लैक करने की टिकट, वो लिखित में शिकायत देंगे खेल विभाग के जो सचिव हैं जीए शर्मा उनको। अब कब तक ये शिकायत पहुंचती है, ये मामला आपसी तौर पर निपटाया जा सकता है क्या, या इसमें उस उच्च स्तर पे जो राजस्थान के खेल मंत्री हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे क्या? फिलहाल तो वो राजसमंद थे मुख्यमंत्री के साथ में, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम चल रहा राजसमंद में वो मंच पे थे, कुछ देर पहले उनका जो स्पीच थी वो भी चल रही थी। संभावित तौर पर ये पूरी जानकारी उनके पास पहुंचेगी, कैसे कर्मचारी स्टाफ अपने ही साथी को धक्का देके बाहर कर देते हैं। सर ये छवि है जो सामने नहीं आनी चाहिए थी, सामने लेकर के नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब खुल के ये विवाद पासिस का जो विवाद है वो चाहे खेल परिषद में हो, आरसीए के अंदर हो, किस कहीं भी हो, वो पासिस का विवाद अभी जिंदा है। आज तीसरा मैच जो है वो होना है, लेकिन उससे पहले भी विवाद जारी। ठीक है, शुक्रिया आपका आशुतोष इन तमाम बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स को साझा करने के लिए। तो कर्मचारियों पदाधिकारियों के बीच में गतिरोध बढ़ा हुआ है, उपाध्यक्ष के आरोपों से कर्मचारी हैं नाराज, यह है मौजूदा अपडेट। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे, कहीं मत जाइए।